हमको इंडिया से 500 साल पीछे हैं अभी, आप मानते हैं इस बात? बिल्कुल पीछे हैं, बिल्कुल पीछे। लाइफ के मामूल के अंदर कितना कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, कितना आपको डिजिटल मतलब जो है वो पाकिस्तान में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं? सर कुछ भी नहीं है डिजिटल, कोई अच्छे ब्रांड्स हैं जहाँ पे हम डिजिटल कार्ड एक्सेप्टेबल है, या कार्ड से पेमेंट आप कर सकते हैं। अब देखें इंडिया में काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को उन्होंने प्रमोट किया हुआ है, लेकिन हमारे पाकिस्तान में कुछ भी नहीं है। लेकिन आप इंडिया में देखेंगे तो इंडिया के बड़े ऐसे सिटीज़ हैं जो इस वक्त दुनिया में जाने जाते हैं, जैसे बेंगलोर हो गया, नागपुर हो गया, चेन्नई हो गया, इंडिया की गुजरात स्टेट होगी, इसमें काफ़ी सिटीज़ हैं जो आईटी के हवाले से, इंडिया एक तरह का आईटी हब बन चुका है और वो आईटी पे इन्वेस्ट कर रहा है, उसकी आप सॉफ्टवेयर या इस वक्त मेजर कंट्रीज हैं जो आईटी में लीड कर रहे हैं। कैसा लगता है कि एक टाइम पे हम कहते हैं यूरोप की बात किया करते हैं, अमरीका की, कैनेडा की, यूके का बहुत ज़्यादा जिक्र होता है, अब बहुत सारे शोबों में जो है वो भारत लीड कर रहा है। आप ऑटोमोबाइल सेक्टर देख लें, उसमें वो डे बाई डे जो है वो अप हो रहे हैं, उसके अलावा जो डिजिटल सिस्टम है आपको पता आने वाला टाइम तो सारा डिजिटलाइज है, तो किस तरीके से जो है उन्होंने इसको कंट्रोल किया हुआ है, मैनेज कर रहे हैं और हम कहां पर स्टैंड कर रहे हैं? सर इसमें मैं इसका आंसर सिर्फ एक ही लफ्ज में करना चाहूँगा, वो है प्रायोरिटी। इंडिया की जो प्रायोरिटी है उसकी एजुकेशन है, उसका आईटी एक तरह का डिपार्टमेंट कह लें, सेक्टर कह लें, जो भी आप इसको नाम दे लें। आप पाकिस्तान के जितने भी मेजर सिटीज़ हैं, इस्लामाबाद है, लाहौर है, कराची, में से कोई भी आईटी के हवाले से नहीं जाना जाता। लेकिन आप इंडिया में देखेंगे तो इंडिया के बड़े ऐसे सिटीज़ हैं जो इस वक्त दुनिया में जाने जाते हैं, जैसे बेंगलोर हो गया, नागपुर हो गया, चेन्नई हो गया, इंडिया की गुजरात स्टेट होगी, इसमें काफ़ी सिटीज़ हैं जो आईटी के हवाले से, इंडिया एक तरह का आईटी हब बन चुका है और वो आईटी पे इन्वेस्ट कर रहा है, उसकी आप सॉफ्टवेयर्स की जो एक्सपोर्ट है वो देख लें और डिफरेंट चीज़ें देख लें। लेकिन पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली अवाम जो है हमारी, उसको भी इसकी इतनी अवेयरनेस नहीं है, और जो रिसेंटली बजट आया आप उसको देख लें, एजुकेशन पे आप कितना को इन्वेस्ट कर रहे हैं। सर एक स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा हमारे पाकिस्तान में बोली जाती है कि इंडिया की आबादी देखें कितनी ज़्यादा है, हम 22 करोड़ की तादाद में हैं, लेकिन हम वो चीज़ को उस तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे जो उन्होंने 1 अरब 25 करोड़ के अंदर इम्प्लीमेंट कर दिया है। क्या ये हमारा बिग फेलियर है या वो बहुत शार्पली खेल रहे हैं? ये हमारा ही बिग फेलियर है। हम ये तो ज़रूर सोचते हैं कि उसकी आबादी 1 अरब 25 करोड़ है और हमारी कम है, ठीक है, तो वो 1 अरब जो 25 करोड़ लोग हैं उनमें से जो उनकी एक करीम है वो अपना एक तरह का कह लें दिमाग जो है उनके अच्छे वो यूज़ कर रही है, और हमारे इधर जो हमारी गवर्नमेंट है उसकी भी प्रायोरिटीज़ में ये चीज़ें नहीं हैं, और जो आवाम है उसका भी सोशल मीडिया जिसको हम कह लें उधर ही ज़्यादा बस स्क्रॉलिंग पे टाइम गुजरता है, बाकी बस ऐसे। वजह मुझे बताएं, वहाँ पे जो मेथड इस्तेमाल हो रहा है वो पूरी दुनिया में उसको मतलब जो है दे रहे हैं, बहुत सी कंट्रीज़ उनका डिजिटल जो सॉफ्टवेयर है वो उसका इस्तेमाल कर रही हैं, पाकिस्तान को भारत नहीं दे रहा मतलब जो है, और पाकिस्तान ले भी नहीं रहा भारत से, हम क्यों, हम एक तो चेंज नहीं हम एक्सेप्ट करते, दूसरा हम कहते हैं हम जिस हाल में हम खुश हैं जैसे भी ज़िंदगी गुजर रही है, क्या ये प्रायोरिटी ठीक है, क्या ये सोच ठीक है, या चेंज लाना बहुत ज़रूरी है? सर ये चेंज लाना बहुत ज़रूरी है, चेंज लाएंगे तो ये डिजिटल जो रेवोल्यूशन आया है इस वक्त दुनिया में, और नेक्स्ट आप देखेंगे इन डिफरेंट डिकेड्स के आपकी हर चीज़ जो है डिजिटल हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें चेंज लाने की ज़रूरत है, इसमें हमारी गवर्नमेंट को भी, और जो हमारे इस वक्त बेहतरीन दिमाग हैं, दिमाग से मेरा मुराद ये करीम जो इस वक्त आई टी प्रोफेशनल्स हैं, उनको भी आवाम को अवेयर करने की ज़रूरत है। तो जिस तरह हमारे नेबर कंट्री इन्वेस्ट कर रहा है तो गवर्नमेंट भी इन्वेस्ट करे और जो हमारे प्रोफेशनल्स हैं वो भी आवाम को अवेयर करे। क्या लगता है कितना आगे निकल गया भारत, मतलब कोई भी शोभा आप उठा के देख लें, आप गाड़ियों का उठा लें, आप करेंसी देख लें, मतलब एक टाइम था जब डबल का फ़र्क था, अब वो 4 गुना ज़्यादा उनकी आगे चली गई, आप कोई भी चीज़ स्पोर्ट्स उठा के देख लें, वो क्या शार्पली खेल रहे हैं, क्या ऐसा कर रहे हैं कि वो डे बाई डे मज़ीद आगे की तरफ जा रहे हैं, और इवन कि अब वो चाइना को कम्पीट करने लगे हैं और आने वाले सुपर पावर की दौड़ के अंदर हैं, हमारी क्या प्रायोरिटीज़ हैं? सर इंडिया में एक तो मैं जो समझता हूँ जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है इंडिया में, इसकी बहुत, ये बहुत बड़ी रीज़न है। इंडिया में आप जब से देखें वो आज़ाद हुए हैं तो उनमें कोई ऐसी अनसर्टेनिटी वहाँ पे नहीं थी। पाकिस्तान तो जब से हम पैदा हुए हैं यही सुन रहे हैं कि नाजुक दौर से गुजर रहा है, तो मेरी तो दुआ है कि ये नाजुक दौर अल्लाह ताला हमारा ख़त्म करे, बस मैं तो सिर्फ इतना ही कहना। इधर का एक कॉमन सिटीज़न जो है उसके ये बड़ी कॉमन स्टेटमेंट दी जाती है कि गुर्बत वहाँ पर बहुत ज़्यादा है, क्या आप इस बात से एग्री करते हैं कि 2023 के अंदर जो इंडिया आने वाले सुपर पावर की दौड़ के अंदर है, जो हर शोबे में तरक्की कर रहा है, वहाँ पर गुर्बत ज़्यादा है, या ये जो इस टाइम मुल्की हालात हमारे पाकिस्तान के चल रहे हैं यहाँ पर गुर्बत की रेशो बढ़ी है?
देखें ये दो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, इनको आप ये नहीं कह सकते कि देखें हमारे जिस तरह आपने गुर्बत की बात की, वॉशरूम की बात की जाती है कि इंडिया में वॉशरूम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं, इसको ये दोनों लगता है ये बात सच है या ये बात बनाई हुई है? तो वो ये बात अगर सच भी हो तो कंपैरिजन उससे बनता ही नहीं। आप उनकी इस वक्त जीडीपी देखें, उनके फॉरेन एसेट्स देखें, उनकी आईटी में वर्क देखें, आप उनमें भी तो कंपेयर करें ना, आप गुर्बत को गुर्बत से कंपेयर करें, ये कोई मेयार नहीं है। जिन चीज़ों में इंडिया लीड कर रहा है आप उनको देखें। कितना आगे निकल गया इंडिया? अब मेरे पास तो इसके कोई यानी कि फैक्ट कंपैरिजन है आज के टाइम में हमारा, वो जो एक आम फिक्रे बोले जाते हैं, मैं तो वही कह सकता हूँ हमको इंडिया से 500 साल पीछे हैं अभी। आप मानते हैं इस बात? बिल्कुल पीछे हैं, बिल्कुल पीछे। कोई आखिरी पैगाम देना चाहेंगे? आखिरी पैगाम यही है कि हमारी जो गवर्नमेंट है और जो प्रोफेशनल्स हैं, ये सब मिलकर मुल्क को कौम के लिए काम करें और हमारी नेशन को अवेयर करें। जो दुनिया में इनकलाब बरपा हो रहे हैं IT के रिलेटेड या और डिफरेंट फील्ड्स में, तो आवाम को इसके बारे में थोड़ा गाइड करें, उनकी रहनमाई करें, ताकि जो हमारी जो अपकमिंग यूथ है वो इन जो IT डिपार्टमेंट है या और डिफरेंट डिपार्टमेंट है उन सेक्टर की तरफ मतवज्जो, और इसमें एजुकेशन ज़ाहिर है जितना एजुकेशन का आपका लेवल अप होगा IT सेक्टर में, जितने ज़्यादा लोग आएंगे उसी तरह से फिर आगे IT सेक्टर फ्लोरिश करेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मोहम्मद अमाद। क्या करते हैं आप? सर मैं शेफ हूँ। अच्छा, कैसी लाइफ जा रही है पाकिस्तान के अंदर? पाकिस्तान में लाइफ अच्छी है लेकिन फील्ड में काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं। राइट। अभी मैं आया था तो आप कुछ खा पी रहे थे, तो ऑनलाइन आपने पेमेंट किया है या कैश में पेमेंट किया है? सर ऑनलाइन पेमेंट यहाँ पे तो है ही नहीं है ना, एक बड़ी हम सम टाइम हम JB's भी चले जाते हैं या स्वीट क्रीम भी, उन्होंने ऑनलाइन का कोई सिस्टम ही नहीं अवेलेबल। अब देखें टैक्स अगर ऑनलाइन हम पे करते हैं तो 5% है, वैसे GST हमारी 16% है, लेकिन अब हम CVS आपने देखा होगा एक अच्छा ब्रांड है, वहाँ पर आपको वो जाते ही कह देते हैं कार्ड एक्सेप्टेबल नहीं है यहाँ पर। तो आई थिंक ऑनलाइन होना चाहिए, कैश कैरी करना, आपको पता है कि कितनी चोरियां ज़्यादा हो गई हैं, ऑनलाइन होगा तो इससे हमें बेनिफिट ये होगा कैश कैरी नहीं करना पड़ेगा तो आप सेफ हो जाओगे। रोज़ाना लाइफ के मामूल के अंदर कितना कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, कितना आपको डिजिटल मतलब जो है वो पाकिस्तान में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं? सर कुछ भी नहीं है डिजिटल, कोई अच्छे ब्रांड्स हैं जहाँ पर हम डिजिटल कार्ड एक्सेप्टेबल है या कार्ड से पेमेंट आप कर सकते हैं। अब देखें इंडिया में काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को उन्होंने प्रमोट किया हुआ है लेकिन हमारे पाकिस्तान में कुछ भी नहीं है ऐसा। आपको पता है पूरी दुनिया की इस टाइम सबसे ज़्यादा जो डिजिटल ट्रांजैक्शन है वो कौन सी कंट्री है जो कर रहा है? इंडिया। कैसा लगता है? अच्छा है उनका ये काफ़ी अच्छा, हमसे वो काफ़ी आगे हैं इस मामले। मतलब हम हर बात में कोई यूरोप का जिक्र करते हैं, हम इधर उधर, अब इंडिया का जिक्र करने लगे हैं हम हर चीज़ के अंदर। कैसा लगता है कि हमारा साथ का जो कंट्री हमारे साथ आज़ाद हुआ था आज हर शोबे में ही कहाँ चला गया है? डिजिटल ट्रांजेक्शन में आप देख लें 46% जो है पूरे वर्ल्ड की ट्रांजेक्शन वो भारत में हो रही हैं। ऐसे ही है सर हमारे पाकिस्तान में। अब देखें मैंने यहाँ से एक चाय पी है लेकिन यहाँ पर मैं ऑनलाइन नहीं कर सकता इन्हें पेमेंट, यहाँ पर हम कैश पे करेंगे इन्हें, तो ये हम काफ़ी ज़्यादा पीछे हमारी। हमें ये चाहिए कि कोई ना कोई ऐसी ऐप इंट्रोड्यूस हो जो एक स्कैनर हर एक रेडी वाला भी है उससे भी मिलना चाहिए ताकि हम वहाँ पे जाएं स्कैन करें उसे पेमेंट चले जाए, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। जैस कैश इस हवाले में थोड़ा सा इन हुआ था लेकिन अब देखें उसका ऑनलाइन हम पे करें तो उसी टाइम अकाउंट में चले जाते हैं, अगर हम सिम से पे करें तो मेरा ख्याल है 30 मिनट का वो भी टाइम लेता है ट्रांसफ़र करने का, तो ये मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। आप यकीन करें अभी पिछले दिनों वहाँ पे मेरे एक कुलीग हैं, उन्होंने तस्वीर भेजी जो फेरी वाला है जो सब्ज़ी बेच रहा है जो चीज़ें वगैरह एक रेडी के ऊपर सेल कर रहा है, उसने भी ऑनलाइन का वो लगाया हुआ है कि आप उसको स्कैन करें और वहीं पे कर दें। इतना डिजिटलाइज मतलब इतने निचले लेवल तक मतलब जो है वो डिजिटलाइज कर चुके हैं इसको। सर ऐसे ही मैं कह रहा हूँ कोई ऐप ऐसी इंट्रोड्यूस हमारी गवर्नमेंट को चाहिए करे जो हर एक रेडी वाला एक छोटा जिसने स्मॉल बिजनेस भी किया है उसके पास भी मिनिमम वो ऐप होनी चाहिए कि हम उन्हें ऑनलाइन पे कर दें, लेकिन मेरे नहीं ख्याल पाकिस्तान में जो हुकूमत का हाल है ये आगे 5 से 10 साल में कुछ ऐसा कर सकती है। क्या लगता क्या है कि उन्होंने क्या ऐसी पॉलिसी इसको अडॉप्ट किया कि वो आज इतना आगे निकल गए कि पूरी दुनिया में जो है उन्हें सराहा जा रहा है, माना जा रहा है और अब वो टॉप पर रैंक कर रहे हैं बहुत सी चीज़ों में? सर उन्होंने अपनी डिजिटल को काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया कि हमारे पाकिस्तान में ये चीज़ नहीं, इसे प्रमोट नहीं किया जा रहा। ठीक है। मेरे ख्याल से इसे प्रमोट करना चाहिए हमें यूथ को बेसिकली आगे होकर प्रमोट करना चाहिए। अगर कोई नहीं ऑनलाइन पे कर रहा हमें उसे कहना चाहिए यार मिनिमम आप ऑनलाइन पे करो, कैश कैरी करना इज़ नॉट मेरे हिसाब से तो अच्छी बात नहीं है। पता है भारत में UPI एक है यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम जो है वो मतलब इस्तेमाल किया जा रहा है, UPI का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, क्या पाकिस्तान को भी भारत से वो टेक्नोलॉजी ले लेनी चाहिए? हाँ अगर बेनिफिट है तो ले लेनी चाहिए। लेकिन भारत पूरी दुनिया को दे रहा है लेकिन पाकिस्तान को नहीं दे रहा, क्या वजह आपको लगती है? अगर